देखो बेटा, लेक्चर टू में अभी हम बता रहे हैं आपको कोलबेज रिएक्शन। देखो हमारा तरीका, हमारा एम क्या था, हमारा एम था सिंगल बॉन्ड को प्रिपेयर करना। हमें अल्केन चाहिए था, अल्केन। पिछली बार बताया था डी कार्बोक्सिलेशन, पिछले लेक्चर में डी कार्बोक्सिलेशन हमें चाहिए सिंगल बॉन्डेड। तो अगला मेथड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, सुन ले बेटा तेरे लिए ये। तो कोलबेज रिएक्शन, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम के लिए। और हमें करना क्या है, हमें सिंगल बॉन्ड को प्रिपेयर करना है। तो कोलबेज, देखो कोलबेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी ट्रिक क्या बनाई हमने, देखो K4 क्या हो जाएगा आप समझोगे, कोलबेज K4, कोलबेज K4 काला, K4 काला। काला क्या होता है, काला होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, मान लो काला, हमने ऐसे बना लिया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, काला। और कार्बन डाइऑक्साइड ना एसिडिक नेचर होता है, कैसा होता है, एसिडिक। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है तो पैदा करने वाला कौन होगा, एसिड। एसिड से ही एसिडिक निकलेगा ना। तो हम क्या ट्रिक बना रहे समझना, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में ट्रिक समझना। हमारा टारगेट है सिंगल बॉन्ड को प्रिपेयर करना। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में आपको लेना क्या, आपको लेना है एसिड, और उस एसिड के अंदर से CO2 निकालना है। क्या निकालना है, CO2। तो हमको एसिड लेते हैं, मान लो मैंने ऐसा एसिड लिया CH3COONA+। ये एसिड क्यों है बेटा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, वहाँ पर Na लगा दिया। क्या लगा दिया, Na। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखना मैं कर रहा हूँ, इसमें लिखा है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या लिखा है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, यानी यहाँ पर हम बिजली डालेंगे। क्या डालेंगे, बिजली। तो लिख दो इलेक्ट्रोलिसिस, क्या लिख दो, इलेक्ट्रोलिसिस। अब आंसर देखना, आंसर आंसर में क्या था कि इस रिएक्शन का नाम है कोलबे। क्या नाम है, कोलबे। के मतलब काला, काला क्या माना हमने, CO2, यानी CO2 को निकाल दो। अगर आप CO2 को निकाल दोगे तो बचेगा क्या, CH3। कितनी बार, दो बार। तो यही इसका आंसर है, CH3 और CO2 निकाल दो। CO2 निकल गया, कुछ और भी निकलता है यहाँ से, NaOH निकल जाता है, H2 निकल जाता है, पर हमें इससे काम नहीं है, मेन हमारा इससे काम है। हमेशा हमें किससे काम होता है, मेन प्रोडक्ट से। साइड नहीं लिखोगे एग्जाम में तब भी काम चल जाएगा। ये है मेन आंसर हमारा, बात समझ में आ गया, फटाफट नोट करो इसे दोस्तों। अब एग्जाम में कैसे लिखना है समझ लो। देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझो पहले, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते कैसे, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक। ये इतना एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है इस एज पे, ठीक है ना। समझो हमने बोला इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, थोड़ा सा हमने कंपाउंड ले लिया, मान लो हमने लिया CH3COO, ठीक है, Na+, ये हो गया हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम थोड़ा सा पानी भी तो लेंगे ना, पानी लेते हैं, दो रॉड लेते हैं, पता आप लोगों को, दो रॉड लेते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, याद है तुम्हें, एक एनोड, ठीक है, और एक रॉड को क्या बोलते हैं हम, कैथोड, ठीक है। तो समझना छोटी छोटी बातें। और यहाँ से हम लगा देंगे बैटरी, बैटरी कुछ लगा देंगे ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए। अरे बैटरी वैटरी लगा देंगे ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए। अब इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म। क्या पढ़ रहे हैं हम, मैकेनिज्म, कि जो आपने पीछे बताया, आपने पीछे बताया क्या बताया, कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लो, ठीक है, उसके अंदर आप क्या करो, उसके अंदर पानी डाल दो। क्या डाल दो, पानी डालना पड़ेगा ना, और फिर कर दो बिजली। अरे सूखा सूखा थोड़ी डाल देगा भाई, तो बिजली बिजली डालेगा तो कुछ तो होना चाहिए वहाँ पर। पानी डाला हमने, क्या डाला, पानी। अब तुम इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तुम्हें क्या मिलेगा, बैलेंसिंग करने के बाद ये 2CH3 जुड़ जाएंगे, CH3 तुम्हारा आंसर है, बात समझ में आ रहा है। और क्या आंसर था, H2, क्या था, चलो ठीक है, और भी CO2 था, ये सब था, CO2 भी था, क्या था, CO2 भी था, NaOH भी था, वो सब काम की बात, वो छोड़ो छोड़ो। क्या हमें कोलबेज रिएक्शन याद हो गया, दोबारा, कोलबेज रिएक्शन मतलब काला, काला मतलब CO2, CO2 कहाँ से आएगा, एसिड से। तो हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CO2 निकल गया, और CH3 जुड़ गया, अल्केन मिल गया। क्या मिल गया, हमारा टारगेट तो ये ना, अल्टीमेट गोल क्या है, अल्केन को पाना, सिंगल बॉन्ड को पाना। अच्छा अब सर इसके पीछे मैकेनिज्म आएगा एग्जाम में कि ये हुआ कैसे है, तो देखो बड़ा सिंपल है, 2-3 लाइन का है, पहले याद कर लो, एट एनोड, एनोड वाले रॉड पर होता क्या है, तो एनोड वाले रॉड पर क्या होता है, देखो समझना, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, समझो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये वाला कंपाउंड दो है ना, ये दो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। देखो Na+ तो ऐसे ही आ गया माइनस को देख के, इसको हटाओ, ये बाहर में जाए। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस करता क्या है, करता क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है, सुनो, इसके अंदर से क्या होता है, ये CO2 निकलेगा, क्या निकलेगा, CO2 निकलने के लिए ना यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर होते हैं, याद कर लो मैं बोल रहा हूँ। मैकेनिज्म सीख, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब समझो, एनोड, एनोड पे होता क्या है, एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बेटा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब भी बाहर निकलेंगे उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है,
तो CO2 भी बाहर निकल जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन लेके ऐसा मान लो CO2 निकल गया, क्यों निकल गया? CO2 बाहर निकल गया तो बचेगा कौन? CH3। तो ये CH3 आपस में जुड़ जाएगा, ये तो बता रहा था ना ऊपर, मैंने ऊपर भी तो यही बताया आपको। तो CH3 तो क्या क्रिएट होगा समझना, हो क्या रहा है? तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा CH3। कौन बचा? CH3 दो बार। कितनी बार बचा CH3? दो बार। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, ये CH3 डॉट CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? CH3। ठीक है, अब कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे समझना, कैथोड पे, एट कैथोड समझो, कैथोड पे होता है रिडक्शन, क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो कैथोड पे देखना क्या होगा समझना, बड़ा ही आसान है। देखो ये तो याद हो गया सबको भाई, ये तो याद हो गया कि जो हमारा एसिड है उसमें से CO2 निकलेगा और जो बचे हुए दो है आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो बड़ा आसान बच्चों का खेल हो गया। कैथोड पे क्या हो रहा होगा, तो दो बातें होती है समझना, दो बातें होती है। देखो H2O जो है, ठीक है H2O है, इसमें इलेक्ट्रॉन डालो, क्या डालो? इलेक्ट्रॉन। ये बन जाएगा आपका OH- और H डॉट, क्या बन जाता है? H डॉट। अब अगली बार क्या होगा, जो भी एच डॉट है, जितने भी एच डॉट होंगे, मैं अगर बैलेंस करोगे, जो भी करोगे, जितने भी एच डॉट होंगे वो आपस में मिलके क्या बना लेंगे? H2 गैस। तो इतना ही आपको याद रखना है बस, क्या बोला मैंने? इतना ही याद रखना है बस, और 3 मार्क्स तुम्हारे हाथ में, क्या कर लोगे इजीली? पक्का पक्का नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जिसको समझ नहीं आया सुन लो एक बार, देखो कहानी क्या था कि भाई इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। आप जो बता रहे थे आंसर वो तो आपने बता दिया, पर रीज़न क्या उसके पीछे? रीज़न ये होता है, देखो रॉड दो होती है, एनोड और कैथोड। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, तो ये CO2 टूट के निकल जाएगा और दो CH3। अभी दोनों CH3 आपस में जुड़ेंगे तो बन जाएगा CH3। अगली बार कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, मतलब उसका उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन लेगा ये OH- बन जाएगा, एक H फ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? H फ्री। अगली बार वो H कंबाइन होगा, H2 बन जाएगा। तो ये हमारा कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, क्या ये? कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मैकेनिज्म बता दिया, ट्रिक बता दिया, बस अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए। दोबारा एक बार, कोलबेस यानी कि काला यानी CO2 निकलेगा कहाँ से? एसिड से। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसमें डाला बिजली डाला तो निकल गया CO2 और बचा हुआ आपस में जुड़ गया CH3 जुड़ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ याद हो गया तुम्हें, बात समझ में आ गई, फटाफट नोट करो। तो बेटा देखो, हमने अल्केन की प्रिपरेशन देख ली, अब हम पढ़ेंगे अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि भाई वो कैसा है, उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, स्ट्रांग है कि नहीं, वो सॉलिड है कि गैस है, वो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, यही सब पढ़ना है हमें। ठीक है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया आपके लिए, अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जुगाड़ क्या है, देखो W गैस ऑन डिलीवरी बताऊँगा इसका मतलब क्या है, ठीक है, BP MP। अब मैं समझाता हूँ, देखो यही सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो अल्केन के हमें पढ़ने हैं। देखो W मतलब ऐसा मान लो कि कोई वंडरवॉल करके, W मैंने लिख दिया ना, ठीक है, V लिख देता हूँ मैं, V ज़्यादा अच्छा, V से स्पेलिंग आएगी अच्छी। एक वंडरवॉल करके बंदा था, क्या था? वंडरवॉल। कैसा बंदा था? वंडरवॉल, ये आ रहा है वीडियो में देखना, ठीक है। तो वंडरवॉल नाम का एक बंदा था, ठीक है ना, उसने कुछ ऑर्डर किया, बोला मैं कैश ऑन डिलीवरी पे करूँगा, कैश ऑन डिलीवरी होता है ना, कैश ऑन डिलीवरी पे करूँगा, लेकिन भाई उसकी जो कैश ऑन डिलीवरी की जो ऑर्डर किया था वो आया नहीं, तो उसका एकदम से बीपी बढ़ गया और अपने यहाँ के लोकल MP को उसने कॉल कर दिया। बात समझ में आ गया, याद रहेगा। देखो वंडरवॉल नाम का बंदा कैश ऑन डिलीवरी की डिमांड करता है पर वो आता नहीं है, जिससे उसका BP बढ़ता है और वो अपने लोकल MP को कॉल करता है। तो यहाँ से सारी प्रॉपर्टी समय याद हो जाएगी। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर जो भी अल्केन है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तुम्हें दुख ना हो, तुम्हें तकलीफ ना हो, तो देखो याद करने के तरीके निकाल देते हैं तुरंत। तो वंडरवॉल फोर्स होता है अल्केन में, क्या होता है? वंडरवॉल फोर्स। कोई पूछे अल्केन में कैसा फोर्स होता है, क्या प्लस माइनस वाला? नहीं। क्या कोई और फोर्स होता है? नहीं, वंडरवॉल फोर्स होता है। क्या होता है? वंडरवॉल फोर्स। यानी क्या है कि एक अल्केन यहाँ पर है, मान लो CH4 यहाँ पर है और दूसरा CH4 यहाँ पर है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, उसका नाम है वंडरवॉल फोर्स। कौन सा नाम है? और ध्यान रखना, वंडरवॉल फोर्स कैसा होता है? वीक होता है। क्या होता है? वीक। कैसा होता है? वीक। इसीलिए जो CH4 हो या आपका CH3 हो या तो आपका CH3 CH2 CH3 हो, ये सारे ना गैस होते हैं। क्या होते हैं? गैस।
क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना फोर्स बड़ा कम होता है, वीक होता है। कैसा होता है? वीक। अरे वीक बंदा है तभी तो उसकी कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो पा रही है ना, ऐसे याद कर लो। तो वीक फोर्स है इसलिए कैसे रहेंगे? स्टार्टिंग वाले गैस, थोड़े और बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो लिक्विड, थोड़े और बड़े मॉलिक्यूल जाएंगे तो सॉलिड। बात समझ में आ रहा है? तो वैन डेर वाल फोर्स होता है, छोटे मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? गैस, उससे बड़े लिक्विड, उससे बड़े सॉलिड। अच्छा, सी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है ये बताता हूँ। और बी पी बॉयल, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसा है ये? बॉइलिंग पॉइंट बताऊंगा इसके बारे में। और एम पी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सी का मतलब क्या है यहाँ पर समझना। सी का मतलब है कलरलेस। अल्केन कैसे होते हैं? तो अल्केन कलरलेस होते हैं। ओ फॉर ऑर्डरलेस, यानी इनका कोई स्मेल नहीं आएगा। यहाँ मिथेन गैस बगल में पड़ा है, नहीं आ रहा स्मेल। ऑर्डरलेस का ये तो मतलब है कोई ऑर्डर नहीं है उनका। और दूसरा क्या है? डी बताओ, डिसॉल्व। डी फॉर क्या है? डिसॉल्व। समझना कि अल्केन कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस, ऑर्डरलेस और डिसॉल्व होंगे। देखो सुनो, ये जो बंदे हैं कैसे हैं? ये है नॉन पोलर। कैसे हैं? देखो पहले डिसॉल्व को इधर थोड़ा और पोस्टमार्टम करते हैं। डिसॉल्व को डी फॉर है डिसॉल्व। क्या है? डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? घुलना। क्या मतलब होता है? घुलना। आप मुझे छोटी सी स्टोरी बताओ। स्कूल में 1000 लोग 2000 लोग, इस धरती पर लाखों लोग, हम डिसॉल्व किस में होते हैं? किससे हमारा मेल अच्छा खाता है, किस में अच्छे से बॉन्डिंग होती है? डिसॉल्व किस में होते हैं? जो हमारे जैसे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मेरे दोस्त भी ऐसे तो ना जनरली, ठीक है। तो हम डिसॉल्व किससे होते हैं? जो हमारे जैसे होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बंदा, अगर अल्केन, ध्यान दो, अगर अल्केन ऐसा है जिसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये किसके साथ डिसॉल्व होगा जिसमें कोई प्लस माइनस ना हो? मैंने कहा पानी के अंदर तो प्लस माइनस होता है भाई, ओ पर नेगेटिव, एच पर पॉजिटिव। तो क्या ये पानी में डिसॉल्व होगा? नहीं, अपने जैसे बंदे में डिसॉल्व होगा। तो हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या बोलते हैं हम? लाइक डिसॉल्व लाइक। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी अल्केन पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। अल्केन कहाँ सॉल्युबल होगा? तो जहाँ पर प्लस माइनस ना हो। ये हमारा पानी होता है पोलर। क्या होता है? जहाँ भी प्लस माइनस हो तो पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर। तो अल्केन किस में सॉल्युबल होगा? नॉन पोलर के अंदर। तो नॉन पोलर के अंदर ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? कलरलेस। क्या हो गया? तुम लिख लेना कलरलेस। ये हो गया ऑर्डर, मतलब कोई स्मेल नहीं आएगी, स्मेल। और डी मतलब डिसॉल्व इन नॉन पोलर, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे या मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज देख ली हमने कि वैन डेर वाल नाम का बंदा है, कैश ऑन डिलीवरी, कलरलेस, ऑर्डरलेस, डिसॉल्व इन अपने जैसा, नॉन पोलर में। और अगला क्या है? उसका बीपी बढ़ा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हम? बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान दो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ। अरे ये तो बड़ा लॉजिकल है ना बेटा। मैंने कहा तेरे को CH4 को बॉइल करना है और तेरे को CH3 को बॉइल करना है, कहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा? टेम्परेचर बोल रहा हूँ, बता कहाँ पर? इसको ज़्यादा हीट यहाँ पर देनी पड़ेगी। बात समझ पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन क्या है? ज़्यादा। यानी बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब बोलेगा सर ब्रांचिंग तो समझ नहीं आया। सर ब्रांचिंग का मतलब समझ, ब्रांचिंग का मतलब समझ बेटा। देख देख समझ छोटी सी बात, मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैंने कहा कहीं पर लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3 और कहीं पर लिखा है CH3 CH2 CH2 और CH3 यहाँ पर CH3। अब ध्यान दे, क्या कार्बन दोनों में सेम है? पर इसमें हो गई ब्रांचिंग। क्या हो गई? अगर ब्रांचिंग हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम। उसके पीछे लॉजिक क्या है देख, ब्रांचिंग से, अगर ब्रांचिंग कम होता है ना तो फोर्स कम हो जाता है मॉलिक्यूल्स में। क्या बोला मैंने? ब्रांचिंग कम होने से फोर्स कम हो जाता है मॉलिक्यूल के बीच में। अगर फोर्स कम हो गया तो बॉयल करने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी, कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली और ब्रांचिंग के इन्वर्सली। और ध्यान रख बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ब्रांचिंग से होता क्या है? वैन डेर वाल फोर्स डिक्रीज होता है। क्या होता है? वैन डेर वाल फोर्स डिक्रीज। तो बॉयल ईजिली हो जाएगा, बॉयल ईजिली हो जाएगा। तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक दो क्वेश्चन दे दो सर, सर एक दो क्वेश्चन करा दो सर। ले बेटा क्वेश्चन,
मैंने बोला देख, 1 2 3 4 5 इसको बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। इसको बोलते हैं पेंटेन। यहाँ दो आएगा, दो दो दो, ठीक है, मैंने गलती कर दी है। अगली बार देख, ए सेकंड, देख सेकंड, मैंने बोला 1 2 3 4 5 और अगली बार सुन, 1 2 3 4 5 किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा होगा स्ट्रेट चैन। इसमें ब्रांचिंग हो गई, बॉइलिंग पॉइंट कम। इसमें बहुत ब्रांचिंग हो गई, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम फोर्स इनके उसमें होगा, क्योंकि ब्रांचिंग हो गई है, एरिया कम हो गया है। जो बंदा ऐसा याद कर ले ट्रिक, जो फैला रहेगा वो ज़्यादा मॉलिक्यूल से कॉन्टैक्ट में आएगा। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल से कॉन्टैक्ट में आएगा तो ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा लोगों से चिपका हुआ है तो उसको बॉइल करेंगे, ज़्यादा लोगों से छुड़ाना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों से छुड़ाने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। लेकिन जिसको ऐसे छोटी सी जगह में बैठा हुआ है और ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं है लोगों से, एकदम सिमट के बैठा हुआ है, तो उसको, समझ रहे बात को, उसको निकालना भी बड़ा आसान है, उसको बॉइल करना भी बड़ा आसान है। तुम सोचो ना, जो कोने में अकेले पड़ा है उसको कोई भी दो तार चाटे देके भाग जाएगा, और बीच में जो बैठा है मेट्रो स्टेशन में एकदम, उसको कोई कुछ कर सकता है क्या? नहीं। तो वही वाली बात है, जब आप एकदम सिमट जाते हो तो आपके इंट्रैक्शन कम हो जाता है, इंट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। अगर फोर्स कम हो गया तो तेरे को हटाना, तेरे को निकालना, तेरे को बॉइल करना आसान हो गया। बात समझ में आती है? तो कौन जीता सबसे पहले? ये सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर ए लिखूँ, बी लिखूँ, सी लिखूँ तो जीता ए, फिर बी, फिर सी। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त, क्या आप तैयार हैं मेल्टिंग पॉइंट समझने के लिए? क्या हमने वी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, ओ पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, बीपी पढ़ लिया, अब एमपी? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बेटा, इसकी बड़ी छोटी सी स्टोरी है। देखो, इवन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवन नंबर ऑफ कार्बन। बात खत्म। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवन नंबर ऑफ कार्बन। कहने का मतलब क्या है बेटा? कि इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है सिमेट्रिक। कैसा होता है? देख मेरी बॉडी कैसी सिमेट्रिक, मेरे दो हाथ है, मेरे दो हाथ है, बात समझ पा रहा है? अगर मैं जमीन पे गिरता हूँ, अगर एक हाथ था, सिर्फ एक हाथ, तो मैं क्या खुद को रोक पाता ठीक से? नहीं। गिरता तो इस तरफ से जाता, ऐसे झुक जाता, इधर का फूट जाता, इधर से बचा पाता। सेम सिमेट्रिक होने से फ़ायदा क्या होता है? सिमेट्रिक होने से फ़ायदा ये होता है कि कहीं पर भी बॉडी जाए, कहीं पर भी बॉडी जाए तो अच्छे से फिट होगा, अच्छे से। लेकिन सिमेट्रिक नहीं तो टेढ़ा मेरा फिट होगा, अजीब सा फिट होगा। अगर वो अजीब सा फिट होगा, देख इवन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक। इवन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक। मैंने बोला फॉर एग्जांपल, देख मैंने बोला ये समझ, एक जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, समझना, छोटी सी बात है। मैंने बोला दो कार्बन है, कितने कार्बन है? तो ये सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक? अरे सिमेट्रिक के अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के बात समझ पा रहे हो? अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो अपने अपने जैसे बंदों के साथ अच्छे से फिट होगा। जैसे ईंट हम बनाते हैं, ईंट, ईंट कैसा होता है? ईंट सिमेट्रिक कैसा होता है? एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, तीसरा ईंट, तो हमारा जो लैटिस बनेगा, जो घर बनेगा, लैटिस यानी घर, जो कमरा बनेगा, बहुत स्टेबल, क्या बनेगा? बहुत। अब मैं क्या बोलूँ, एक एक ईंट ऐसा लगा दूँ चौड़ा सा, अजीब सा, एक गोल सा, एक ट्रायंगल सा ईंट लगा दूँ, और फिर मैं सीमेंट वीमेंट लगा दूँ, वो घर बड़ा बेकार होगा, कोई लात मारेगा गिर जाएगा, लात मारेगा गिर जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा इवन नंबर ऑफ कार्बन से? इवन नंबर ऑफ कार्बन से क्या जाता है? सिमेट्रिक। क्या जाता है? तो सिमेट्रिक, देखो इवन नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? सिमेट्रिक। क्या होता है? सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होने से क्या होगा? फिट, फिट, गुड, इन क्रिस्टल लैटिस, इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस समझते हो, जो बनेगा उसका क्रिस्टल, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें अच्छे से फिट होगा, अच्छे से फिट। अगर अच्छे से फिट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वो बढ़िया से फिट हुआ है, कस के फिट हुआ है। बात समझ में आ गया? जैसे क्वेश्चन दो, मैं क्वेश्चन दो, आप समझ जाओगे, क्वेश्चन समझना। मैंने बोला 1 2 3 4, 1 2 3, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? 4। 1 2 3 4 5, अब भी किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? इसी का। बात समझ पा रहा है? जब भी ऑड आए, जैसे 4 के नीचे 3 आएगा और 4 के ऊपर 5 आएगा, जीतेगा 4 वाला ही, जीतेगा 4 वाला ही। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा बताना, ठीक है? काउंट करो, काउंट, एक कार्बन, दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, तो 4 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन, इवन कार्बन जीत गया। इवन कार्बन हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहानी समझ में आती है? इवन
अच्छा फिट होगा, बॉन्डिंग तगड़ी होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों आगे देखो कहानी की शुरुआत। अब ना हमने पढ़ लिया अल्केन को कैसे बनाए, सिंगल बॉन्ड को कैसे बनाए, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या पता है ना, वैन डेर वाल, कैश ऑन डिलीवरी, ब्लड प्रेशर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया ख़त्म। अब पढ़ना है भाई कि अल्केन की केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। देखो जब भी अल्केन की कोई बात करे तो अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले ना। तो एक बंदा था इसकी केमिकल रिएक्शन करवा रहा था किस किस से, उसने इसमें एसिड डाला, मैं तेरे को जला देगा। रिएक्शन हुआ ही नहीं। अल्केन यहाँ खड़े होके हंस रहा है, ऐसी स्माइली बना रहा है, अल्केन खड़े होके हंस रहा है। तो ये एसिड से रिएक्शन नहीं हुआ, तो बंदे ने बेस डाला, क्या डाला बेस, मैं कहा तेरा बेस से रिएक्शन करवाएगा, बेस से भी नहीं, फिर भी हंस रहा। फिर इस पे डाल दिया गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या डाल दिया गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब भी रिएक्शन नहीं हुआ। फिर इस पे डाल दिया हमने रिड्यूसिंग एजेंट, तब भी रिएक्शन नहीं हुआ। और अल्केन खड़े होके देख रहा था, उसने बोला बेटा अब तू रो, यानी अब रो, क्या बोला उसने अब रो, यानी कि ना मैं एसिड से रिएक्शन करूंगा, ना मैं बेस से रिएक्शन करूंगा, ना मैं रिड्यूसिंग एजेंट से और ना मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो क्वेश्चन आ जाए कि अल्केन क्या एसिड से रिएक्शन करता है, नहीं। क्या अल्केन बेस से रिएक्शन करता है, नहीं। क्या अल्केन रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा, नहीं। क्या ऑक्सीडाइजिंग से, नहीं। अब रो, अल्केन कह रहा है अब रो। बात समझ में आ गया, नोट करो आगे बढ़ेंगे। अच्छा सुन लो एक बात, तुम गधे हो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हें पता है इनर्ट गैस रिएक्शन नहीं करते, तो ये भी रिएक्शन नहीं कर रहे, तो इनको बोलते हैं इनर्ट। क्या बोलते हैं इनको, इनर्ट। तो अल्केन क्या होता है, एक ना ऐसा आएगा, अल्केन इज इनर्ट, इनर्ट मतलब जो रिएक्शन ना करे, इनर्ट टुवर्ड्स दिस एसिड बेस रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना छोटी सी बात, क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कि अल्केन कहाँ कहाँ पर इनर्ट होता है, तो इनके से इनर्ट होता है। मेरे दोस्तों अब कहानी को समझना, कहानी क्या है, जब अल्केन खड़े होकर हंस रहा था एसिड के ऊपर, बेस के ऊपर, रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर, तो फिर इन सब ने मिलके, एसिड ने, बेस ने, रिड्यूसिंग एजेंट ने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने सूर्य भगवान की पूजा करी। किसकी पूजा करी, फिर सूर्य भगवान आए, कौन आए, सनलाइट, और सनलाइट पड़ा किसके ऊपर, अब सूर्य भगवान की पूजा करिए खुश हो गए, क्या हो गए खुश। सनलाइट को बोलते हैं हम H न्यू, क्या बोलते हैं H न्यू, क्या बोलते हैं H टाइम फ्रिक्वेंसी, H है प्लैंक कांस्टेंट। तो सूर्य भगवान ने इनकी पुकार सुनी और वो अल्केन के ऊपर टूट पड़े, तो CH4 हमारा अल्केन है। और जैसे ही सूर्य भगवान क्लोरीन के साथ उसके यहाँ पहुँचे, रिएक्शन हो गया CH3Cl और अल्केन देखता रह गया, अल्केन। क्या बात समझ में आ गया, यानी जीवन में हमेशा अल्केन रिएक्शन करेगा सूर्य भगवान की प्रेजेंस में, सूर्य भगवान की वर्ना रिएक्शन नहीं करेगा रिएक्शन। क्या बात समझ में आ गया, पक्का। इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, यहाँ पर एक HCl भी निकलेगा, क्या निकलेगा HCl, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या स्टोरी समझ में आ गई, फटाफट नोट करो बेटा। प्रेमचंद ने बोला कि हेडिंग क्या होगी, बेटा हेडिंग है रिएक्शन विथ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, क्या बोलते हैं इसको हेलोजन, मैंने बताया था पिछली क्लास में, क्या बोलते हैं इसको हेलोजन। तो रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशन, क्या नाम है हेलोजिनेशन, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। बिना सूर्य भगवान के अल्केन को कोई हरा नहीं सकता, अल्केन ऐसी बैठा रहेगा। बात समझ पा रहे हो, सूर्य की पूजा की गई चार बंदों से मिलके, तब जाके रिएक्शन हो पाया है। बात समझ पा रहे हो मेरे दोस्तों, चिल्ला क्यों रहा है, अच्छा आगे देखो सुनो क्वेश्चन। मैंने बोला क्वेश्चन CH4, मैंने क्या बोला CH4, इसमें डाल दिया CH2H new, सनलाइट, भगवान दिख गया, रिएक्शन हो गया CH3Cl, एक बार और भगवान डाल दूं मैं, H new डाल दूं, रिएक्शन दोबारा हो जाएगा CH2Cl9, हाँ CH2Cl2।
पहले एक क्लोरीन था, अब दूसरा क्लोरीन। एक बार और भगवान आ गए, सूर्य भगवान एक बार और आ गए, तो ये हो गया CH Cl3। और इसको याद कर लो बेटा, यही है क्लोरोफॉर्म। क्या ये CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसको सुंघा के वैन में भरते, याद है तुम्हें? बेटा पुरानी मूवीज में इसी को सुंघाते थे, वैन में भरते थे और कहते थे कि 2 करोड़ घर भिजवा दे, 2 करोड़, ठीक है ना। उसके पापा 2 करोड़ घर भिजवा रहे हैं और बच्चे की लाश जा रही है, ऐसे होते थे पुरानी मूवी में। ध्यान दो, सुनो। अब इसके अंदर दोबारा सूर्य भगवान डाल रहे हैं, देखो Cl2H9। क्या सूर्य भगवान की प्रेजेंस में क्या 4 क्लोरीन लग जाएगा? 4 बार डाला तो 4 क्लोरीन लग गए और ये बन गया आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या ये नॉन पोलर सॉल्वेंट? CCl4 कैसा होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जितने भी तुम्हारे अल्केन थे, याद करो, अल्केन डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी इसी में डिसॉल्व होंगे। तूने बोला प्रोपेन किस में जाएगा, बोलता है इसके अंदर, समझ पा रहे बात को? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हो। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अभी जो मैं करवाऊंगा चुपके से याद कर लो, किसी को पता ना चले चुपके से याद कर लो, आएगा एग्जाम में लिख के ले लो, पक्का एग्जाम में आ सकता है। देखो वो आपसे बोलेगा कि CH4, जो CH4 है वो सूर्य भगवान की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे मान गया, क्या रीजन था कि ऐसा कंपाउंड बना? भाई मुझे तू रीजन दे, मुझे तू, यानी इसके पीछे मैकेनिज्म बता, इसके पीछे क्या राज है, उस राज को बता। तो हम उसके लिए राज पढ़ेंगे, इसका नाम होता है मैकेनिज्म। क्या पढ़ते हैं? मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया? हेलोजन लगाना। क्या लगाना? Cl लगाना, Br लगाना या I लगाना। अभी हम Cl लगा रहे हैं तो इसको क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोरीनेशन, ठीक है ना, क्लोरीनेशन। अगर यहाँ पर ब्रोमीन लगाओगे Br, क्या लगाओगे? Br। यहाँ Br डालोगे ना Br, तो कहलाएगा ब्रोमीनेशन। क्या कहलाएगा? ब्रोमीनेशन। अगर आयोडीन लगाओगे तो आयोडोनेशन। तो ये छोटे छोटे नाम है जो समझ गए, हेलोजिनेशन एक ही बात है। हेलोजिनेशन मतलब सबके लिए, सारे हेलोजन के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए, फ्लोरीन के लिए। अच्छा सर, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म से पहले एक छोटी सी ट्रिक लिख ले, ट्रिक पता है क्या? देख, जब Cl और Cl2 के साथ जब सनलाइट आता है ना, सनलाइट, तो सनलाइट करता क्या है, इसको ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक। तो यहाँ से बनता है Cl डॉट, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल ना बड़ा आतुर होता है, बड़ा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। अरे किसी के सर पे तुमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया यार, कोई सिंगल बंदा है, हाईली रिएक्टिव, जहाँ देख रहा है वहाँ है ना, तो वही वाला मामला है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, हाईली रिएक्टिव। क्या होता है ये? हाईली रिएक्टिव। तो हमेशा चाहता है मैं जुड़ जाऊँ किसी के साथ, हमेशा जुड़ जाऊँ। ये सोचेगा कि मैं किसी कपल को देखेगा, सोचेगा मैं इसमें जुड़ जाऊँ, उसको सिंगल कर दूँ, उसमें जुड़ जाऊँ, उसको सिंगल कर दूँ। तो ध्यान रखना, फ्री रेडिकल हमेशा किसी मॉलिक्यूल को देखेगा, किसी मॉलिक्यूल को, किसी कपल को देखेगा और खुद कपल बन जाएगा और उसको बाहर फेंक देगा। यानी फ्री रेडिकल खुद को तो मॉलिक्यूल बनाएगा और दूसरे को फ्री रेडिकल, दूसरे को फ्री कर देगा और खुद मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या हो गई? ट्रिक समझना मैकेनिज्म से पहले, फ्री रेडिकल खुद को मॉलिक्यूल बनाएगा, खुद को मॉलिक्यूल बनाएगा और दूसरों को फ्री रेडिकल बना देगा। और अभी समझ में आएगा बाद में, और दूसरों को फ्री रेडिकल बना देगा, फ्री रेडिकल बना देगा। क्या बात समझ में आती है? सर एक करके दिखाओ। तो चलो मैकेनिज्म करते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिज्म। तो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, पेशेंस रखो तभी सीखोगे। ध्यान रखना, लर्निंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, सीखने में समय लगता है। अगर तुम ये सोचते जादू हो जाएगा तो नहीं होता जादू। अगर मैं तुम जैसे तुम पूरे साल मत पढ़ो, जैसे अभी बता रहा हूँ मैं रिसेंटली 12th के बच्चों का हाल, मान लो मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे, 150-200 जितने भी पढ़ रहे थे, उसमें से 50 या 30-20 बच्चे ही होंगे जो सीरियस थे, जो बात मानते थे, टेस्ट देना, रेगुलर टाइम पे आना, सब कुछ करना, बात समझना। बाकी का इतना गंदा हाल है ना अभी, बहुत गंदा हाल है। वो मुझसे क्या पता क्या बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ भी करा दो, कैसे भी करा दो, पूरी रात बुला लो। भाई मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मैं तो तेरा दिल रखने के लिए बोल दूंगा, भाई मैं करा सकता हूँ करा दूंगा, पर हो नहीं पाता, जादू नहीं पाता लास्ट में कभी भी। तो हमेशा स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ अभी पढ़ लो, और तुम सोचते हो
अगर तुम सोचते हो कि लास्ट में पेपर से 5 दिन पहले रिवाइज करेंगे, नहीं हो पाएगा, जादू होता ही नहीं है। सिर्फ तड़पते और तड़प रहे बच्चे, इतनी गंदी तरह तड़प रहे हैं ना। तुम अभी मेरा अभी देखो व्हाट्सअप पे भी साइलेंट रहे, अभी देखना कितने मैसेज आ गए होंगे बच्चों के। देखो अभी 199 मैसेज है और मुझे पता है 12th वालों के ही है 199 मैसेज अभी भी। तो ये समझ जाओ 12th वाले के होंगे, कुछ इधर उधर के मैसेज होंगे, तो समझो वो परेशान है। मैं कहता हूँ भाई करवा सकते, कितना करवा दूंगा? कहते पूरे काम धंधे छोड़ दो, पूरी दुनिया जहान छोड़ के मेरे हमारे पीछे लग जाओ। भाई जब समझाया तो तुम समझे नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, 2-2 बजे तक पढ़ाता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। तो दोबारा बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें गलती नहीं करनी, तुम्हें स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। लास्ट में जादू नहीं होता, हमको ही लगता है कि हम भगवान के अवतार हैं, लास्ट में हम जादू करेंगे, हम तो यूँ करेंगे चक्कर आ जाएगा, जो टीचर पेपर चेक कर रहा हो गर्दन काट देंगे उसके, मर जाएगा, नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तुम विष्णु के अवतार हो ना, कोई चमत्कार होने वाला है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन यानी हैलोजन लगाना, क्या लगाना है? या क्लोरीनेशन, क्लोरीन लगाना, क्या लगाना है? क्लोरीन, एक ही नाम है सब। तो सबसे पहले पहला स्टेप समझना, पहला स्टेप कि Cl2 होगा, क्या होगा? Cl2, उस पर सनलाइट आएगा, इसको फ्री कर देगा, क्या कर देगा? फ्री। अब ये सिंगल हो गया, क्या हो गया? अब ये सोचेगा मैं किसी ना किसी मॉलिक्यूल में, देखो हमारा आंसर क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, CH4 में डाला Cl2 HNu, तो क्या बन गया? CH3 Cl एंड HCl। तो मैं बताना इसके पीछे रीजन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, सब दिख रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है कि सनलाइट करते क्या है, सनलाइट करते क्या है, सूर्य भगवान करते क्या है, Cl को करते सिंगल, क्या करते हैं? अभी सिंगल हो गया, अभी इधर उधर देख रहा है, कोई कपल दिख जाए मैं घुस जाऊँ, बाल सेट किया घुस गया कि उसको सिंगल कर दूँ। तो क्या करता है, देखो उसको दिखा यहाँ पर CH4, क्या दिखा उसको? दिखा CH4, तो करता क्या है? Cl डॉट, समझना, जो CH4 है, CH4 जो मॉलिक्यूल है ऑलरेडी, क्या है ये मॉलिक्यूल? अकेला नहीं है ये, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रखी है। तो इस मॉलिक्यूल पे क्या करेगा? Cl डॉट पीछे से जाके कर देगा अटैक, या कैसे भी कर देगा अटैक, हम तो ऐसे कहानी बना रहे, पीछे जाके अटैक कर दिया, अटैक करेगा और खुद को जोड़ लेगा इसके साथ, CH3Cl, खुद को जोड़ लिया, खुद को जोड़ लिया। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, गलत तरीका, गलत तरीका। वो करेगा क्या, सबसे पहले लेगा एच को, किसको लेगा? एच को, तो HCl बना देगा, क्या बना देगा? और CH3 डॉट को कर देगा फ्री, क्या कर देगा? फ्री। मतलब यहां से एच लेके HCl बना लिया, सबसे आसान क्या है इसके लिए? Cl के लिए HCl बनना, Cl के लिए सबसे आसान क्या है? HCl बनना। तो उसने HCl बनाया और CH3 को क्या कर दिया? सिंगल, क्या कर दिया? CH3 को सिंगल कर दिया। अब ये CH3 बौखला गया, मैं सिंगल हूं मैं, अब वो आगे गया। तो अगला ये देखो, ये हमारा पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में क्या होगा दोस्तों? अब देखो मैंने क्या बोला था कि फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, खुद को बना लेगा मॉलिक्यूल। क्या इसने खुद को मॉलिक्यूल बना लिया और दूसरे को कर दिया फ्री रेडिकल? अब फ्री रेडिकल ये सोच रहा है CH3 बैठा हुआ कि मैं क्या करूं, तो इसको दिखता है Cl2, क्या दिखता है? रिएक्शन के अंदर Cl2 डाला ना आपने, वो मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा ना, तो मॉलिक्यूल कौन बचा? एक तो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, एक तो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। तो ये जो मॉलिक्यूल है Cl2 पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा? Cl2। अगर ये Cl2 पे अटैक करेगा तो ये बनाएगा CH3Cl, और दोबारा क्या निकल गया यहाँ से? Cl डॉट, अरे Cl डॉट निकलेगा ना, CH3Cl और एक Cl डॉट, क्या बचा? देखो ना दोबारा, ये था फ्री रेडिकल, क्या था? फ्री रेडिकल ने मॉलिक्यूल पे अटैक किया, खुद को बना लिया मॉलिक्यूल और दूसरे को कर दिया फ्री। अब ये फ्री वाला बौखला गया, फ्री वाला अब ये कह रहा मैं करूँ तो करूँ क्या? तो लास्ट में होगा टर्मिनेशन, लास्ट में क्या होगा? थर्ड स्टेप देखना, ये Cl सोचेगा कोई मिल नहीं रही, कोई नहीं, कोई मिल नहीं रहा, कोई मिल नहीं रही, खुद से ही बना लिया। वैसे ही कुछ और भी CH3 अकेले होंगे, घूम रहे होंगे कहीं, तो वो CH3 भी आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे। अब कोई मिल नहीं रहा, खुद से काम चला रहे भाई, है ना, आपस में जुड़ गए। आगे देखो, आगे देखो, और भी ऐसा होगा कि कोई CH3 डॉट कोई Cl डॉट के संपर्क में आ जाए, किस में आ जाए? संपर्क में, तो ये CH3Cl बन जाए। तो ये सारी संभावनाएं है, क्या ये सारी संभावनाएं? पर हमारा आंसर तो यहीं आ गया, ये तो संभावना है कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि Cl कहीं बॉन्ड ना किया हो तो खुद से कर लिया स्टेबल, CH3 ने कभी बॉन्ड ना किया हो खुद से कर लिया स्टेबल, कहीं Cl पड़ा कहीं CH3, आंखें चार, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। पहले का नाम क्या होता है समझना, इसको बोलते हैं चैन इनिशिएशन, क्या बोलते हैं? चैन इनिशिएशन। ये इनिशिएट हो गया चैन, यानी रिएक्शन इनिशिएट हो गया, चैन इनिशिएशन। इसको बोलते हैं चैन प्रोपोगेशन, चैन प्रोपोगेशन मतलब रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, प्रोपोगेट समझा था मैंने, वेव में चलना,
प्रोपोगेशन मतलब चलना, चैन स्टार्ट हो गया, प्रोपोगेट हो गया, और लास्ट में क्या होगा, टर्मिनेट, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, तो इसको बोलते हैं चैन टर्मिनेशन, क्या बोलते हैं, चैन टर्मिनेशन, चैन टर्मिनेशन। फटाफट नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा बेटा, अगर तुम्हें लगता है इससे कोई बेस्ट तरीका है तो नहीं है, भूल जाओ। चलो दोस्तों सुनो, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, याद करने वाली बातें, सुन लो, कुछ याद करने वाली बातें, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ याद करने वाली बातें, ध्यान रखना। अभी हम क्या कह रहे थे, यहाँ पर देखो ये CH4 था, क्या था, CH4, यहाँ थे सनलाइट, क्या थे सर, सनलाइट, और यहाँ हम डाल रहे थे क्लोरीन, क्या डाल रहे थे, क्या हम फ्लोरीन डाल सकते हैं, क्या हम ब्रोमीन डाल सकते हैं, हाँ जी सब कुछ डाल सकते हैं हम। यहाँ पर हेलोजन का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे फास्ट रिएक्शन होता है इसमें, सबसे फास्ट, उसके बाद ये, फिर ये, और सबसे स्लो इसमें होगा, किसमें होगा, इसमें स्लो होगा, स्लो होगा मतलब रिएक्शन हो जाएगा, यानी इससे आंसर क्या आएगा, सुनो, फ्लोरीन से आंसर क्या आएगा, CH3F, क्लोरीन से CH3Cl, ब्रोमीन से CH3Br, CH3I, पर प्रैक्टिकली सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही यूज़ करते हैं, उसके पीछे रीज़न समझना, उसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन वो होता है वॉयलेंट, कैसा होता है, वॉयलेंट समझते हो, वॉयलेंट, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वॉयलेंट हो जाऊँगा, मतलब मैं ऐसी कहानी बना रहा हूँ आपको, ठीक है, अब समझ लो ये केमिस्ट्री की कहानी नहीं, ऐसी तू फ्लोरीन लेकर रिएक्शन कर रहा है, वो ब्लास्ट ही हो गया, क्या हो गया, ब्लास्ट, ना हाथ बचाना रिएक्शन, ठीक है, ना हाथ बचाना रिएक्शन, और हाथ नहीं बचा तो बहुत सारे काम नहीं होंगे, खाना पीना सब कुछ ख़राब हो जाएगा, बात समझ पा रहे हो, तो ये हो गया वॉयलेंट। ऐसे मैंने बता दिया आपको स्टोरी की तरह याद रहेगा, कि देखो स्टोरी बनाने से आपको याद रहेगा ना कि चलो फ्लोरीन होता है वॉयलेंट, क्या होता है, वॉयलेंट, भड़कीला, वॉयलेंट। तो अब बात करो आयोडीन, तो आयोडीन में, आयोडीन का खेल समझना, आयोडीन का एक खेल याद कर लो, आयोडीन का एक स्टोरी याद कर लो, कार्बन ना, कार्बन बड़ा, मान लो टेंथ क्लास की बच्ची, अब समझना, कार्बन से क्लोरीन जोड़ रहा हूँ, कार्बन से ब्रोमीन, और कार्बन से आयोडीन, कार्बन हो गई टेंथ क्लास की लड़की, और ये फ्लोरीन हो गया तुम्हारा, मान लो ऑलमोस्ट टेंथ क्लास का, क्या हो गया, टेंथ, ये हो गया आपका ट्वेल्थ क्लास, ये बढ़ रहा ना, साइज बढ़ता है, ब्रोमीन हो गया मान लो फर्स्ट ईयर, क्या हो गया, फर्स्ट ईयर, ठीक है, और ये हो गया PhD वाला, क्या हो गया, PhD वाला। अब बताओ मुझे यहाँ पर देखना है किसके साथ संबंध, रिलेशन अच्छा होगा, बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी होगी, तो बताओ, टेंथ और टेंथ की बॉन्डिंग, हवाई गजब की बॉन्डिंग, है ना, छुपके से सिंदूर लगा ले, ऐसी वाली बॉन्डिंग, अरे तगड़ी वाली बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी, होगी, अच्छा, CL, कार्बन और CL की बॉन्डिंग भी, हाँ आजकल ठीक है, फर्स्ट ईयर भी, हाँ चल भाई चल गया, UP बिहार में चल रहा, चल गया, कहीं ना कहीं चल गया, ठीक है, ठीक, यहाँ दिक्कत है, यहाँ ना यूपी में चलना है, ना बिहार में, ना दिल्ली में, कहीं नहीं चलना, बात समझ पा रहे हो, तो बात ध्यान दो, चुप हो जाओ, अरे ध्यान दो, तो कार्बन और आयोडीन, क्या बोल रहा हूँ मैं, कार्बन और आयोडीन में साइज का डिफरेंस, इनके साइज का एटॉमिक साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड बहुत वीक होता है, क्या होता है, वीक बॉन्ड हो गया, वीक, यानी कि अगर देख फ्लोरीन से रिएक्शन करवाएगा फायदा ही नहीं है, ये बेकार हो गया, क्लोरीन और ब्रोमीन में हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत साइज का डिफरेंस है, बॉन्ड स्टेबल है, अच्छा है, बात समझ पा रहे हो, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। अब इसकी बात कर रहे हैं आयोडीन की, तो तूने मान ले रिएक्शन करवा दिया और CH3I बन भी गया, तूने CH3I बना भी दिया, क्या बोला मैंने, तूने CH3 मतलब CH4 में आयोडीन डाला और ये CH3I बन भी गया, लेकिन तुझे पता है कि ये बॉन्ड बहुत वीक है, बॉन्ड क्या है, वीक, तो ये आयोडीन बाहर निकल गया, तो रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, तो ये हो गया रिवर्सिबल, कैसा हो गया, रिवर्सिबल, तो आयोडीन कैन नॉट बी यूज्ड, क्यों, कैन नॉट बी, लिखना आप लोग वर्ड्स में लिखना, आयोडीन कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कांट यूज्ड, बिकॉज रिएक्शन इज, बिकॉज ड्यू टू साइज डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड आयोडीन रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल,
becomes reversible. तो हम क्या करें सर, मेरा मन है कि मैं आयोडीन बनाऊं, क्या बनाऊं, आयोडीन वाला बनाऊं कंपाउंड, तो क्या करूं सर? तो एक तरीका है, एक क्या कर तरीका है कि इस आयोडीन को कहीं पर ट्रैप करवा दे, आयोडीन को बिजी करवा दे, क्या करवा दे, बिजी। लेकिन हम अगर हम चाहते हैं कि आयोडीन बने तो हमें यहाँ पर डालना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आयोडोनेशन, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बट, चलो इसके बाद लिखता हूँ, बट आयोडोनेशन कैन बी डन, आयोडोनेशन समझ में आ रहे हो, आयोडोनेशन मतलब आयोडीन लगा सकते हैं, कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से रोकता है। तो रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल, क्या बन जाएगा, इरिवर्सिबल, पीछे नहीं जाएगा। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HIO3 या HNO3, बात समझ में आ गया। तो फटाफट आपको ये कहानी लिखना है कि क्यों हमारा, हम रिएक्शन अगर करवाए तो क्या स्टोरी था, ये रहा ना, हाँ, कि फ्लोरीन क्यों नहीं करता, आयोडीन का क्यों नहीं करवा सकते स्पेशल कंडीशन में, ठीक है। और क्लोरीन और ब्रोमीन क्यों कर लेगा, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन का साइज ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, काम चल जाएगा, बात समझ पा रहे हो, फटाफट लिखो। तो मोस्ट फेमस क्या है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, पर सबसे फास्ट कौन करता है रिएक्शन, सबसे फास्ट फ्लोरीन, इतना फास्ट कि वॉयलेंट हो जाए, क्या हो जाए, और सबसे स्लो ये, और ये इंटरमीडिएट है, क्या बात समझ में आ गया, फटाफट लिखो। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, आगे हमने ये पढ़ लिया, अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, CH3 और यहाँ H, और ऐसा आ जाए CCH3, ध्यान दो बेटा, प्लीज़ ध्यान दो बेटा, आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। अरे बेटा ओ ध्यान दो, मैंने कहा इसमें डाला हमने Cl2, क्या डाला, Cl2H3, इसमें भी डाला मैंने Cl2H3, इसमें डाला मैंने Cl2H3, बता बेटा किस में रिएक्शन फास्ट होगा। बोलोगे सर सब में तो क्लोरीन ही है, तो बेटा ध्यान रखियो रिएक्शन सबसे ज़्यादा इसमें फास्ट होगा, क्यों, देख जब इसके पास ना सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कार्बन है, देख यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो 3 डिग्री कंपाउंड है, कितनी डिग्री, 3 डिग्री, इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री। ये मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया, पता ना आप लोगों को, चलो अगर नहीं भी पढ़ाया तो याद कर लो भाई, जरूरी थोड़ी तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, कुछ नया सीख लिया कि 3 कार्बन है 3 डिग्री, यहाँ पर 2 कार्बन है 2 डिग्री, यहाँ 1 कार्बन है मतलब सपोर्ट में एक ही कार्बन है 1 डिग्री। तो ध्यान रखना इसके सपोर्ट में 3 कार्बन है 3 डिग्री, तो यहाँ रिएक्शन जल्दी होगा, फास्ट होगा, तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट, फिर स्लो, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सर कुछ और क्वेश्चन बताओ सर, अब अगला क्वेश्चन देखो, दिमाग ख़राब कर दे ऐसा क्वेश्चन है ये, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं, कहते हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे यहाँ पर अच्छा है, देखते कौन कर पाता है, जो कर लेगा समझ लेना बेटा भगवान का सीधा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, भगवान का सीधा आशीर्वाद है, और जो नहीं कर पाए उन पे भगवान का आशीर्वाद है ही नहीं, उन पे भगवान का आशीर्वाद नहीं है, तो तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा आशीर्वाद के लिए, और तपस्या है हार्डवर्क, मेहनत, ठीक है। रिविज़न, मैंने डाला इसके अंदर क्लोरीन Cl2H3, इसमें डाला Br2H3, क्या सूर्य भगवान है, हाँ, क्या ये एल्केन है, हाँ, रिएक्शन तो होगा, किस पे होगा, अरे दोनों सेम है, दोनों ही 3 डिग्री है, तो किस में रिएक्शन फास्ट होगा, किस में होगा, Cl2 वाले में फास्ट होगा, लिखवाया था ना मैंने, ठीक है, तो ये वाला जीत गया, बात समझ में आ गया। बारहवीं और दसवीं, ये हो गया फर्स्ट ईयर और मजा नहीं आया है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई सूर्य भगवान की प्रेजेंस में अल्केन रिएक्शन करता है, तुम सो रहे हो, सपना देख रहे हो बढ़िया सा, और तुम्हें कोई बोलता है अल्केन कब रिएक्शन करेगा, सूर्य भगवान की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के, याद हो गया। अब हम जलाएंगे अल्केन को, मैंने कहा अल्केन तू एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, तू बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, तू रिड्यूसिंग से नहीं करेगा, तू ऑक्सीडाइजिंग से नहीं करेगा, तो मैं तेरे को जला दूंगा, मैं जला के तुझे काला बना दूंगा, तुझे पानी पानी कर दूंगा, जला के तुझे काला बना दूंगा, तुझे पानी पानी कर दूंगा। तो बेटा वही हम पढ़ रहे हैं, कंबसन रिएक्शन ऑफ अल्केन, क्या पढ़ रहे हैं, कंबसन रिएक्शन,
कंबशन समझते हो? मुझे पता है मेरी स्पेलिंग ये गलत भी हो सकती है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं तो हिंदी में लिखूंगा जलाना, क्या लिखूंगा मैं? जलाना। और जलता कब है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई जल नहीं सकता। मान ले ये बंदा जल रहा है, मैंने कंबल डाल दिया, क्या डाल दिया? कंबल। पहले बात तो इसको देख के डालूंगा नहीं, फिर भी मान ले ये बंदा जल, मान रहे ये बंदा जल रहा है तो कंबल डालूंगा, ऑक्सीजन कट हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगा, ऑक्सीजन की क्या कर रहे तुम, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जलता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मीथेन या कोई भी एल्केन, ओ मीथेन, अब मैं तुझे भस्म कर दूंगा, जला के तुझे काला कर दूंगा, काला यानी कार्बन डाइऑक्साइड बोला हमने, और तुझे पानी पानी कर दूंगा, पानी पानी कर दूंगा। तो जीवन में याद रखना, जब भी आप जलाओगे एल्केन को, वो पहले काला हो जाएगा और वो पानी पानी हो जाएगा। क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? नहीं, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ चार हाइड्रोजन, वहाँ दो हाइड्रोजन। ये तो भाई लॉस के खिलाफ हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। कि भाई देख, चार एटम दिया, वहाँ दो बचा, कहाँ गए? एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वो सब बहुत सारी बातें हो जाती है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो वो सब बहुत सारी बातें हैं। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस का ट्रिक क्या है? चो, CHO, चो, CHO, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। अगर इस रूल को तोड़ा बेटा, ये ट्रिक मैंने बनाया है, इस रूल को तोड़ा तो भटकते रह जाओगे, कभी वो बढ़ जाएगा, कभी ये बढ़ जाएगा, कभी वो बढ़ जाएगा। यहाँ मिटाओगे इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ फंस जाओगे। तो पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। क्या कार्बन बैलेंस है? तू बोलेगा हाँ। एक कार्बन दो कार्बन, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? दो चार, अरे दो लगा दे। अब ऑक्सीजन देख, यहाँ पर है दो, वहाँ पर है दो प्लस दो, अरे दो, दो इंटू वन चार हो गया, दो यहाँ पर, दो इंटू वन दो चार, चार तो यहाँ दो लगा दे, हो गया। सर एक दो क्वेश्चन करा दो सर। मैंने कहा इस बार जलाऊंगा मैं इथेन को, कैसे जलाऊंगा इथेन को? ये जलेगा कैसे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल के ये काला हो जाएगा और पानी पानी हो जाएगा, काला होके पानी पानी हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन, पूरी तरह जला दिया। अब CHO, पहले कार्बन को बैलेंस कर बेटा। कार्बन कितने हैं यहाँ पर बेटा? कार्बन कितने हैं यहाँ पर बेटा? दो। यहाँ कितने हैं? तो दो से मल्टीप्लाई कर। फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर, छः। वहाँ कितने हैं? थ्री लगा दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर, यहाँ दो है, वहाँ है दो, दो चार और तीन सात, कितने हैं? सात। इसको कर दे तू 7/2, क्यों? मन में काटना है, 7 2 से 2 गया, 7 बचा। बात समझ में आ गया? अरे 3.5 into 2, ठीक है ना? पर बैलेंस करने का तरीका यही है, तो बैलेंस हो गया। तो क्या आगे भी आप बैलेंस कर लोगे? क्या आपको मैं क्वेश्चन दूँ? फटाफट इसको बैलेंस करके दिखाओ मुझे। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, जला दिया हमने, कंबशन हुआ, आंसर बताओ फटाफट बेटा। आप लोग कमेंट में आंसर लिखो, क्या बात है, यूट्यूबर बन गया मैं। तो दोस्तों देख अल्केन, तू ना एसिड से रिएक्शन करेगा, ना बेस से, ना रिड्यूसिंग से, ना ऑक्सीडाइजिंग से, मैं तुझे जला दूंगा, जला के काला कर दूंगा और पानी पानी कर दूंगा। तो ये काला हो गया, ये पानी हो गया। सर ने ट्रिक दिया चो, क्या दिया? चो। कार्बन बैलेंस कर दे बेटा, चार मल्टीप्लाई, एक दो तीन चार, फिर हाइड्रोजन, तीन तीन छः चार दस, तो यहाँ पर पाँच कर दे बेटा। अब ऑक्सीजन देख, चार दुनी आठ, आठ और पाँच तेरह, तो यहाँ आ जाएगा 13/2, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 13/2, याद कर बेटा। बेटा ये बड़ा आसान है, अगर तू अभी भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, तू अभी भी नहीं कर पा रहा है तो भाई अब आगे तुम्हें पता ही है, तू 12th में करेगा, डीमोटिवेट होने की बात नहीं, तू 12th में करेगा, अभी भी नहीं कर पा रहा है तो, ठीक है ना? क्या बात समझ में आ गई? अब हम पढ़ेंगे बेटा, ये था हमारा कंप्लीट कंबशन। जब तुम पूरी तरह जला दो, पूरी तरह जला दो, जब पूरी तरह जला दोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट है, याद कर, इंपॉर्टेंट याद कर ले चुपके से। इनकम्प्लीट कंबशन पढ़ रहे हैं हम, इनकम्प्लीट कंबशन, जब आप पूरी तरह ना जलाओ, पूरी तरह इनकम्प्लीट कंबशन। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा CH4, क्या लिखा? CH4 O2, तो ये बनेगा कार्बन, CO2 नहीं बन पाता, वो काला नहीं हो पाता, तूने ऊपर ऊपर से जलाया उसको, ऊपर ऊपर से। मैंने माचिस लिया ऐसे मुंह पे लगा दे, ले पूरी तरह जला, क्या पूरी तरह जला? नहीं जला, तो पूरी तरह काला नहीं होगा, है ना?
तो होगा इनकम्प्लीट कम्बशन, तो सिर्फ कार्बन बचेगा। क्या बचेगा? कार्बन प्लस H2O। अब बैलेंस करते रूल, वही है चो वाला रूल। पहले कार्बन कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया देखो 2 2, खत्म। इसे नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कम्बशन। देखो यहाँ से कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आएगा चौथा, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है। मैं समझा सकता हूँ तुम्हें, देखो वैसे तो याद करना है कुछ, अगर हम जुगाड़ लगाए तो जुगाड़ क्या समझना। देखो अब ऐसा याद कर लो, समझना बड़ा आसान है, कि जब CH4 था, क्या था? CH4, उसको कम ऑक्सीजन दिखाई दिया, कितने दिखाई दिए? कम। जब कम ऑक्सीजन दिखाई दिया ना, तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, एक H गया और O आ गया, मतलब सब कुछ छोड़ो गया ही नहीं गया, एक O लग गया। अगली बार जब ऑक्सीजन आया CH4 के पास ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा नंबर में, तो डबल बॉन्ड के साथ लगता है, यहाँ पर दिख रहा है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। ट्रिक है याद करने का, और कोई तरीका नहीं हो सकता, रिएक्शन याद करने वाले क्या ही बताओगे। अगली बार क्या है कि जब इसी एल्केन के पास ऑक्सीजन और भारी मात्रा में आता है 3O2, और यहाँ भी भर के ऑक्सीजन दिख रहा है C2O, ठीक है, जब भर के O आया तो इस बार 2 ऑक्सीजन लग जाता है। पहली बार में 1 लगा, अगली बार में डबल बॉन्ड के साथ लगा, और अगली बार में 2 लगा, अगली बार में 2 लगा। तो तीनों आप याद कर लोगे बेटा, और कोई तरीका नहीं है। अगर तुम सोचते हो मैं जादूगर हूँ तो भाई हूँ, पर इतना खतरनाक जादूगर नहीं हूँ कि मैं रिएक्शन में भी कुछ कहानी बना लूँ, डिलीवरी बॉय ये वो बना दूँ, नहीं बनना। लेकिन समझ में आ गया, देखो जब O2 आया सिर्फ तो 1 O लग गया, जब ज़्यादा ऑक्सीजन आए 2 डबल बॉन्ड के साथ, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आए 2 ऑक्सीजन लग गया, और लास्ट देखो लास्ट तो जादू हो गया। हमने कहा था कि अल्केन कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, अरे यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ तो, ये कैसे पॉसिबल है समझना, यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? सर आपने पीछे बोला कि अल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, मैं अभी बोल रहा हूँ नहीं होता, फिर ये कैसे लिख रहा है एनसीईआरटी? ये एक स्पेशल कंडीशन हो गया। कैसे स्पेशल कंडीशन हो गया? ये सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, रीज़न समझना। रीज़न ये है कि ये जो कार्बन था वो कहता है दुनिया को, मैं ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, मैं ऑक्सीडेशन, लेकिन बगल में 3 लोग हैं समझाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कर ले भाई प्लीज़ कर ले भाई। ये 3 डिग्री है, क्या ये 3 डिग्री इंटरमीडिएट इतना स्टेबल होता है कि वो रिएक्शन करने के लिए मान जाता है, जो नहीं होने वाला उसके लिए भी मान जाता है। तो ध्यान रखना कि 3 डिग्री में क्या होता है, 3 लोग समझाने के लिए तैयार है इस कार्बन को, भाई कर ले प्लीज़, वो इतनी मुश्किल से इतनी दूर से आया है कर ले, तो कहता ठीक है ज़्यादा नहीं करूँगा 1 ऑक्सीजन से कर लूँगा, तो यहाँ पर जाके 1 ऑक्सीजन लग गया। 3 डिग्री वाला 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, बात समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है अल्केन में, लेकिन ये 3 डिग्री क्या है, 3 डिग्री का इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल, याद है तुम्हें, तो रिएक्शन कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से अल्केन ऑक्सीडेशन हो कर सकते हैं, करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशल कंडीशन जब 3 डिग्री हो, क्या हो, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो चैप्टर के एंड पर है, कुछ बातें याद करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, हमारी मजबूरी है, इतना तो कर ही सकते हैं हम, इतना बचा लिए थोड़ा बहुत और सही। अब देखो आइसोमेराइजेशन लास्ट, इसके लास्ट के 3-4 टॉपिक रह गए हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप एनहाइड्रस AlCl3 डालोगे, क्या लिखा है ये, एनहाइड्रस AlCl3 दिख रहा है, देखो एनहाइड्रस AlCl3 किसी कंपाउंड में डालोगे ना तो वो उसके आइसोमर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम आइसोमेराइजेशन। मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में देख लेना, इतना टाइम था नहीं मेरे पास। अच्छा ये तो भाई याद, देखो नाम से पता लग रहा है आइसोमर, क्या लग रहा है नाम से, आइसोमर, जिसमें आइसोमर बन जाए, क्या बन जाए, आइसोमर, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोमेराइजेशन। अच्छा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, एरोमाइटाइजेशन। इसमें आप हेक्सेन ले लो, क्या ले लो, हेक्सेन लो, उसमें ये सब डाल दो CH2O3 या V2O5 या MO2O3। हेक्सेन के अंदर कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन के अंदर ये डालोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। इनमें कोई ट्रिक नहीं बना रहे हम, नाम से पता लग रहा है आइसोमर एरोमेटिक, बात समझ में आ रहा है, अरे नाम से पता लग रहा है। अगला देखो, अगला भी नाम से पता लग जाएगा, देखो रिएक्शन विथ स्टीम, रिएक्शन विथ, आप पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, पानी स्टीम, तो पानी से अगर CH4 को पानी से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर निकलता है हाइड्रोजन गैस, क्या निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी मेथड से हम इंडस्ट्री में, इसी मेथड से हम इंडस्ट्रीज में H2 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, H2 कमर्शियली समझते हो, बेचने के लिए। कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि कौन सा मेथड है जिससे हम हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं कमर्शियली, तो ये वाला मेथड है, रिएक्शन ऑफ CH4 विथ स्टीम, उसे मिलेगा हाइड्रोजन गैस, क्या मिलेगा, पैक किया बेच दिया, पैक किया
बात समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक समझना इस चैप्टर का, ये इसका नाम है पायरोलिसिस। क्या नाम है इसका? पायरोलिसिस, या फिर बोलते क्रैकिंग। क्या बोलते? क्रैकिंग यानी तोड़ना। क्या करना? अरे नाम बता रहा है, तोड़ना, नाम बता रहा है। तो देखो, अगर कोई भी अल्केन लोगे, हायर अल्केन, 6 कार्बन का अल्केन है, अगर तुम तोड़ोगे तो क्या होगा कि भाई 6 कार्बन ही रहे, बस हाइड्रोजन अलग हो जाए। देखो ना, यहाँ पर कितने हैं? 14। यहाँ कितने हैं? 14। C6H14। यहाँ पर क्या हो गया? C6H12 और H2 बाहर आ गया। क्रैकिंग यार तोड़ना, पायरोलिसिस क्रैकिंग यानी तोड़ना। अगली बार देखो ऐसा हो जाए कि 4 और 2 6 कार्बन, 4 और 2 6, 8 और 6 14, या ऐसे टूट जाए 3 कार्बन में, फिर 2 कार्बन में, फिर 1 कार्बन में। तो तोड़ने के मेथड हो गए। तोड़ने के मतलब बड़े अल्केन को उठाओ, हीट करो, बहुत हीट करो, वो टूट जाएगा, उसको बोलेंगे क्रैकिंग या पायरोलिसिस। क्या बोलेंगे? इस प्रकार से अल्केन खत्म हो गया, एक लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट एक लेक्चर में चैप्टर खत्म, ट्रिक के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे।